अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का तजुर्बा नंबर 9, अहम सनती खुर्दबीनी जानदारों का मुताला करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जो है तजुर्बा करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और मुशाहिदा करके जो है उसके नताइज और उसके जो है तमाम बातें हमारी प्रैक्टिकल बुक के अंदर, जर्नल बुक के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मकसद दिया हुआ है कि सनती तौर पर इस्तेमाल होने वाले अहम खुर्दबीनी जानदारों का मुताला करना। इसके लिए ज़रूरी अशिया हमको लगेंगी मुरक्कब खुर्दबीन, दजजेल बैक्टीरियाओं की मुस्तकिल स्लाइड। मुस्तकिल स्लाइड जो है ये बाज़ार के अंदर दस्तियाब होती है, वहाँ से हम इसको ख़रीद कर जो है इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। पहला स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफेलस, दूसरा लैक्टोबैसिलस एसिडोफेलस, तीसरा सेक्रोमाइसिस सर्वे वीसी, चौथा एसिडोबैक्टीरिया बैक्टीरिया सिटी, पांचवा स्पर्जिलस ओराइजी। तरीक़े अमल, मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए हम खुर्दबीनी जानदारों की मुस्तकिल स्लाइड का बग़ौर मुशाहिदा करेंगे और अपने मुशाहिदात का दर्ज जदोल में इंदराज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमको जो है जो हिदायतें दी जा रही है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर करना है। चलिए मुशाहदाती जदोल को मुकम्मल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक खुर्दबीनी जानदार स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफेलस, इस जो है खुर्दबीनी जानदारों को लिया और मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए इसका मुशाहिदा किया। तो हमको इस तरीके की शक्ल दिखाई दे रही है। अब जो है हमको लिखना है, सही मुतबादिल को ख़त कशीद कीजिए, यानी जो ऑप्शन सही है उसको अंडरलाइन करना है, जो कहा जा रहा है हमको वो करना है, ठीक है, यानी ख़त कशीदा करना है। अब देखिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफेलस अब क्या है, ग्राम मुस्बत है या ग्राम मनफी? तो यहाँ पर सही जो है ये ग्राम मुस्बत, तो इसको हम नीचे अंडरलाइन करेंगे, ख़त कशीद करेंगे जो कहा गया है। तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफेलस ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया है और इधर इसका इस्तेमाल के अंदर, सनती इस्तेमाल में हम देखेंगे गलत लफ्ज़ को काटिए, हमको इसको काटना है। काटने के लिए चाकू और छुरी का जो इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पेन से ही इसको आड़ी एक लकीर जो है हमको मारेंगे। तो पहला देखिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफेलस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर दूध या चमड़ा, तो यहाँ पर जो है दूध ये सही है, हम चमड़े को क्या करेंगे गलत इसको जो है काटेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफेलस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर दूध की सनत में किया जाता है। दूसरा अब मोजारिला या अमोल, चीज़ और दही योगरेट बनाने में इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर जो है मोजारिला जो है ये सही है, इसको जो है ये गलत है, इसको हम इसको काट देंगे। तीसरा ये दूध की शक्कर लैक्टोज या फ्रुक्टोज को लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देता है, लैक्टिक एसिड में इजाफा होने की वजह से दूध की प्रोटीन योगरेट या पनीर जैसी साख में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर जो है सही लैक्टोज है, फ्रुक्टोज ये गलत है इसलिए हमने इसको कट कर दिया, और यहाँ पर योगरेट सही है, पनीर योगरेट सही है और पनीर गलत है इसके लिए हमने इसको कट कर दिया है। तो बच्चों इसी तरीके से अपनी जर्नल बुक के अंदर बस आपको क्या करना है, जो गलत है इसको ख़त इसको जो है काटना है, एक लकीर जो है इसके ऊपर मारनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरा जो खुर्दबीनी जानदार है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। यहाँ पर जब हमने इसकी स्लाइड को मुरक्कब खुर्दबीन के नीचे रखा तो हमको शक्ल इस तरीके से दिखाई दी, यहाँ पर भी जो है हमको ख़त कशीद करना है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया ग्राम मुस्बत, यहाँ पर जो है सही ऑप्शन ग्राम मुस्बत है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, बैक्टीरिया है, गलत लफ्ज़ को काटिए। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इंसान और हैवानात की ग़िज़ा की नाली, यहाँ पर तनफ्फुसी नाली जो है गलत है इसलिए हमने इसको कट कर दिया, ये ग़िज़ा की नाली सही है, और मुँह दिमाग गलत है इसलिए हमने इसको कट कर दिया। में पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इंसान और हैवानात की ग़िज़ा की नाली और मुँह में पाए जाते हैं। दूसरा कुछ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रोबायोटिक नोयत के होते हैं, तो प्रोबायोटिक सही है, तहलील गलत है इसलिए कट कर दीजिए। खाली जगह पर रुकीजिए, तिजारती तौर पर इनका इस्तेमाल डेयरी सनत में किया जाता है, योगरेट की पैदावार में कभी कभी स्ट्रेप्टोकोक
कोकस थर्मोफेलस और लैक्टोबैसिकस को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो है लिख लेंगे दो खुर्दबीनी जानवरों के नाम। तीसरा सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, यहाँ पर सही मुतबादिल को खुदकशीद करना है। तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी ये ईस्ट की एक किस्म है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करें हमने, यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए आप। तो ये एक जो है ईस्ट की एक किस्म है, यहाँ पर जो है हमने इसको कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ईस्ट जो है हम इसको नीचे लकीर मारेंगे, गलत लफ्ज़ को काटिए। कदीम अरसे से सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का इस्तेमाल शराब शराब की तैयारी में होता है। तो यहाँ चीज़ जो है इसको कट कर दीजिए, शराब जो है यहाँ पर सही, बेकिंग और शराब साजी के लिए किया जाता रहा है। दूसरा, ये विटामिन और मादनियात के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। इनमें क्रोमियम ये सही है, सोडियम गलत है, तो सोडियम को हमने कट कर दिया है, क्रोमियम सही है, और सेलेनियम लेड गलत है, इसलिए लेड को हमने गलत कर दिया है। के साथ विटामिन बी बड़े पैमाने पर पाया जाता है, डी ये गलत है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। विटामिन बी या डी, तो बी सही है, डी गलत है, इसलिए हमने डी को कट कर दिया है। विटामिन बी बालों, जिल्द, मुंह, जिगर, आँखों की सेहत के लिए मुफीद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कानों को हमने कट कर दिया है। उसी तरीके से देखिए, खाली जगह पूर कीजिए, तो यहाँ पर ये डैश डैश और डैश का तजिया करके फौरी तौर पर तवानाई मुहैया करता है। तो खाली जगह पूर करने के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी, अब इस तरीके से जो है ये तीन अहम जो है बातें लिखेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी का तजिया करके फौरी तौर पर तवानाई मुहैया करता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएँ, तो ये चौथा जो है एसिडोबैक्टर एसिटी, तो यहाँ पर सही मुतबादिल को खतकशीद करना है। तो यहाँ पर देखिए एसिटोबैक्टर एसिटी ये ग्राम मनफी बैक्टीरिया है, यहाँ पर हमने जो है अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन ग्राम मनफी बैक्टीरिया है। उसके बाद लुईस पास्चर ने 1864 में ये साबित किया कि ये बैक्टीरिया इथेनॉल को एसिटिक एसिड में तब्दील करता है। गलत लफ्ज़ को काटिए, एसिटोबैक्टर एसिटी अपने गिर्द हर तरफ से घिरे हुए सोतों से हरकत करते हैं, किसे करते हैं, सोतों से। तो गलत लफ्ज़ क्या है, काजी पैर है, इसको हमने कट कर दिया, ये जो है सही। ये माहौल में हर जगह पाए जाते हैं, ऐसी तमाम अशिया जिनमें अल्कोहल मौजूद हो, जैसे फूल, फल, शहद, यहाँ तक के पानी और मिट्टी में भी ये मौजूद होते हैं। दूसरा, जहाँ शक्कर की तखमीर, यहाँ पर तखमीर सही है, पार मुंतकली गलत है, इसलिए हमने इसको पार मुंतकली को कट किया है, ये वहाँ ज़रूरी पाया जाता है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर एसिटिक एसिड, ये सही है, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड को आपको गलत करना है, एसिटिक एसिड को राइट करना है, से सरका, तो ये सरका सही है, सरका आप जो है लिख लीजिए और आगे के जो ऑप्शन है इसको कट कर दीजिए, बनाने के लिए किया जाता है। चौथा जो है वाइन, वाइन सही है, और साइडर पर अमल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी की चीज़ों को आपको, चीज़ या मशरूब है इसको कट करना है। स्पर्जिलस ओराइजी, खाली जगह मुकम्मल करो बोल के बोल रहा है यहाँ पर। तो स्पर्जिलस ओराइजी एक रेशेदार फफोंद है, यहाँ पर आप रेशेदार फफोंद लिख लीजिए, इसे अंग्रेज़ी में कोजी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोजी कहते हैं। गलत लफ्ज़ को काटिए, स्पर्जिलस ओराइजी का इस्तेमाल आजकल की मशहूर चाइनीज़ और दीगर मशरक़ी एशियाई ममालिक जो है, यहाँ पर ये सही है, मशरक़ी एशियाई ममालिक, अमरीका को कट कीजिए यहाँ पर, में इस्तेमाल होने वाली सोया सॉस और सरका के वगैरह की तैयारी में होता है। दूसरा, सोयाबीन, सोयाबीन यहाँ पर सही है, सरसों जो है गलत है, यहाँ पर आपको इसको कट करना है। सोयाबीन या सोया सॉस की तैयारी और सेम की लगदी पर तखमीरी अमल के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, गेहूँ, चावल के आटे और आलू से अल्कोहल मशरूबात, यहाँ पर मशरूबा जो है की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद चावल से सरका, सरका सही है, अल्कोहल गलत है, चावल से सरका तैयार करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नल बुक के अंदर, प्रैक्टिकल बुक के अंदर ही लिखेंगे। और रहा नतीजा, नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तजुर्बे का। तो नतीजा हासिल करते हैं हम जब माइक्रोबायोलॉजी को तिजारती मकसद के साथ, क्या है, तिजारती मकसद के साथ साथ माशी, समाजी और माहौलिया से मुतालिक आमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब उसे सनती, क्या कहते हैं, सनती माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। मुख्तलिफ खुर्दबीनी जानदारों पर तौसीखी तहकीकात से सनती माइक्रोबायोलॉजी के ज़रिए
बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ हासिलात तैयार की जाती है। यहाँ पर जो है आपका तजुर्बा मुकम्मल होता है। डेट डालिए जो आपको डेट दी गई है, जिस डेट पर आपने ये प्रैक्टिकल किया है, साथ ही अपने साइंस के टीचर की दस्तखत लीजिए और ये आपका तजुर्बा जो है मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आपको जो है तजुर्बा पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हमने समझाने की कोशिश की, अगर समझ लिया है आपने तो इसे ज़रूर अपने जर्नल बुक में लिखिए। जर्नल बुक कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल नेक्स्ट तजुर्बे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।